हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब ये मेटल नॉन मेटल क्या है इनके बारे में जानेंगे। तो अभी तक जो है हमारे पास 118 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिनके बारे में हमें नॉलेज है, पता है। तो उनमें से जो 90 हैं वो क्या है, नेचुरली अक्रिंग यानी कि नेचर ने हमें दिए हैं, और जो 28 हैं वो क्या है, मैन मेड यानी कि मैन ने खुद से बनाए हैं। अब बात आती है मेटल और नॉन मेटल की। फर्दर ये जो 118 एलिमेंट है इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है हमारे पास मेटल, सेकेंड वन है नॉन मेटल एंड थर्ड वन है मेटलॉइड। मेटल और नॉन मेटल के बीच की कैटेगरी को बोलते हैं मेटलॉइड। ओके, अब है जो हमारे पास मेटल्स हैं वो क्या है, मोस्ट ऑफ जो है इन एलिमेंट्स में से सारे क्या है, मेटल्स हैं, जिनमें से ज्यादातर क्या, सभी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है जो 20 है हमारे पास वो नॉन मेटल हैं, जिन 20 में से 12 जो है गैसियस फॉर्म में मिलती हैं और 1 जो है लिक्विड फॉर्म में मिलती हैं, जो है ब्रोमीन, एंड 7 है सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं। ओके, तो ये क्या है, नॉन मेटल हैं 20, जिनको आगे सॉलिड गैस और लिक्विड स्टेट्स की फॉर्म में मैंने बता दिया है आपको कि कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ओके, फिर हमारे पास आती है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है किसी मेटल की और नॉन मेटल की, उसके बारे में बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी हम बाद में करते हैं, पहले हम फिजिकल करेंगे। केमिकल में क्या होता है उसकी रिएक्शंस के बारे में बताना है, फिजिकल में क्या है उसकी अपीयरेंस वगैरह के बारे में, स्टेट वगैरह के बारे में बताना है कि वो देखने में कैसी है, क्या है। तो पहले मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको, मेटल्स के एग्जाम्पल है जैसे सिल्वर है, एजी सोना होता है, और Na, सोडियम, जिंक, कॉपर एक्सेट्रा, ये सारे आते हैं मेटल की कैटेगरी में। नेक्स्ट है ब्रोमीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, ये सभी आते हैं नॉन मेटल की फॉर्म में। ओके, यानी कि सिंबल्स हैं मेटल और नॉन मेटल को डिनोट करने के लिए कर रहे हैं हम, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हो। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फर्स्ट वन जो आती है, जो इनका सर्फेस है वो देखने में कैसा होता है, शाइनी होता है, उसके ऊपर लस्टर होती है यानी कि वो चमक सी नजर आती है, बट इसके केस में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब किसी मेटल को हम अगर देखते हैं, उसे किसी हार्मर से जब बीट करते हैं तो मेटल ये नहीं है कि टूट गई, वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो हार्ड है। ओके, मोस्ट ऑफ मेटल क्या है, हार्ड है, तो ओवरऑल इसको बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी के अंदर जो इसको पॉइंट दिया गया है वो हार्डनेस आएगा कि ये हार्ड होती हैं, बट नॉन मेटल कैसी होती है, सॉफ्ट होती हैं, अगर उनको बीट किया जाए ऐसे तो वो टूट जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मेलेबिलिटी प्रोसेस होती है एक, मेलेबिलिटी होता है किसी मेटल को क्या करना है, पीट पीट के यानी कि इसको बीट कर करके पतली शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। ओके, लेकिन नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस आती है हमारे पास और इसकी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, किसी भी मेटल को पीट के या कुछ भी करके कन्वर्ट करके उसको कैसे, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, वायस की फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी, उसे बोलते हैं डक्टिलिटी। और जो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी प्रोसेस है, इनके थ्रू ही मेटल के कितने सारी शेप देके हम अपने अकॉर्डिंग मेटल्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे भी हमें नीड है ऑब्जेक्ट की, उस तरीके का ऑब्जेक्ट इससे बन सकता है। ओके, बट ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल के केस में नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी फर्दर टू टाइप से है यहाँ पे, फर्स्ट है जो हीट कंडक्टिविटी एंड सेकेंड है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, तो जो मेटल का केस है उसमें दोनों तरह की कंडक्टिविटी लाई करती है, हीट भी और इलेक्ट्रिक भी। कैसे, आप देखते हो मेटल के कितने सारे बर्तन बन रहे होते हैं, उनके अंदर से हीट पास हो जाती है, गर्म भी हो जाता है मेटल का बर्तन है जो, जब आप उसको हीट पे रखते हो, मान लो दूध उबाल रहे हो, चाय बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो वो बर्तन गर्म भी होता है यानी कि वो हीट को कंडक्ट कर रहा है, और उसके अंदर डाला हुआ खाना या कोई भी चीज बन जाती है, पक जाती है, उबल जाती है, तो वो सारा किस वजह से है, उसकी हीट कंडक्टिविटी की वजह से। नेक्स्ट वन आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल वर्ड से आप क्या समझते हो, यानी कि बिजली का कॉन्टेक्ट है उससे, कि जो मेटल्स हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जाने देती हैं,
लेकिन नॉन मेटल ऐसा नहीं होने देती। सेम केस है हीट का, हीट को भी नॉन मेटल अपने अंदर से नहीं जाने देती, लेकिन मेटल अपने अंदर से जाने देती है। ओके, अब देखो जो वायर्स है आपके घरों की, इलेक्ट्रिक वायर बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वायर मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रही है जो वायर, तो वो किसकी बनी होती है? हमारे पास मेटल्स की बनी होती है। इस तरीके से हमने आज क्या किया है, अभी मेटल्स और नॉन मेटल के बीच की फिजिकल प्रॉपर्टी की है। अभी हमने कोई रिएक्शन नहीं की है, रिएक्शन किस में आएंगी? केमिकल प्रॉपर्टी में आएंगी। अभी इसका आगे हम करते हैं, इनमें कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, एक्सेप्शंस हैं। जैसे हमने ये जो सारी प्रॉपर्टी बताई है मेटल के केस में, नॉन मेटल के केस में, तो कुछ मेटल और नॉन मेटल ऐसी हैं जो इन प्रॉपर्टीज को क्या करती हैं, कंट्राडिक्ट करती हैं। तो अभी एक्सेप्शन करेंगे। यस स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अभी एक्सेप्शंस क्या हैं। एक्सेप्शनल केस आर ऑलवेज देयर, यानी कि किसी चीज की अगर कोई फीचर होती है, कोई ना कोई चीज ऐसी भी होती है जो उसे अपोज करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो मरकरी है वो क्या है, एक मेटल है। मरकरी एक मेटल है जो क्या है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे। यानी कि हमने अभी बोला था ना कि मेटल क्या है, मोस्टली सारी की सारी मेटल सॉलिड्स हैं। ओके, बट एक ये मेटल ऐसी है मरकरी जो क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ओके, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये भी क्या है, मेटल्स हैं। हमने हार्डनेस की बात की थी, बट जो सोडियम और पोटेशियम है ये क्या है, सॉफ्ट हैं। इतनी सॉफ्ट हैं, वी कैन कट देम विद द हेल्प ऑफ नाइफ, कि इन्हें हम नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। ओके, सॉफ्ट हैं। नाइफ की हेल्प से क्या हो सकती है, ये कट हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है जिसके फर्दर एलोट्रोप्स हैं। कार्बन हमें ये नहीं है कि अकेली कार्बन ही मिल रही है, कार्बन उसके एलोट्रोप्स के फॉर्म में, यानी कि बहुत सारी चीजों के फॉर्म में हमें मिलती है, एक से ज्यादा चीजों के साथ अटैच हुई हुई या एक से ज्यादा चीजों की फॉर्म में मिलती है। वो क्या है, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, एक और होता है फ्लोरेंस, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे। कार्बन वाला चैप्टर अभी बहुत डिटेल में आएगा हमारे पास, फोर्थ चैप्टर है जो। ओके, तो जो कार्बन का डायमंड फॉर्म है, डायमंड का आपने सुना ना, डायमंड क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, नॉन मेटल क्या है, सॉफ्ट है, लेकिन इसने इसको कंट्राडिक्ट कर दिया उसकी प्रॉपर्टी को, ये क्या है, बहुत ही हार्ड है। ओके, इसको कट करना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, ये भी कार्बन का एक एलोट्रोप है, कार्बन का ही एक सबग्रुप है। ये क्या करता है, हीट को कंडक्ट करता है, सॉरी हीट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जबकि हमने अभी पढ़ा था कि जो नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, कार्बन का एलोट्रोप ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ओके, ये कुछ एक्सेप्शनल्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट आता है आयोडीन। ये भी क्या है, एक नॉन मेटल है, बट हमने पढ़ा नॉन मेटल के पास कोई शाइन नहीं होती, मेटल्स के पास शाइन होती है। बट ये एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास क्या है, लस्टर है, शाइन है। ठीक है, तो ये सारी इनकी क्या है, एक्सेप्शंस हैं। जो मरकरी है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, जबकि मेटल क्या होती है, सॉलिड होती है। सोडियम पोटेशियम क्या है, सॉफ्ट है, जबकि मेटल क्या होती है, हार्ड होती है। कार्बन क्या है, हमें कार्बन के अलग अलग टाइप में, अलग अलग एलोट्रॉप्स में एक हार्ड मिल रहा है और एक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला मिल रहा है। लेकिन हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो नॉन मेटल है वो कैसी होती है, सॉफ्ट एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट आयोडीन है जो, वो भी क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन इसके पास शाइन मिल रही है, लेकिन अदर नॉन मेटल के पास शाइन नहीं होती। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थी। नेक्स्ट हमारे पास आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी है कि रिएक्शन किसी चीज से, अभी हम वन बाय वन सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट वन है वो है हमारे पास, व्हेन मेटल्स बॉन्ड इन एयर, जब मेटल को हम एयर की प्रेजेंस में चलाते हैं तब क्या होता है, तो तब क्या होता है, मेटल प्लस एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन, गिव राइज टू मेटल ऑक्साइड। कि जब भी हम किसी मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। फॉर एग्जांपल कॉपर,
प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कॉपर ऑक्साइड। ओके, और इसको शो कैसे करोगे आप, अभी इसको बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन टू है, यहाँ पे क्या है वन, तो इसके आगे टू लगा देंगे, यहाँ पे कॉपर क्या है वन, यहाँ पे कॉपर क्या हो गया टू, तो इसके आगे टू लगा देंगे, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास कॉपर और ऑक्सीजन की। ओके, जो क्या दे रही है हमें, कॉपर ऑक्साइड देती है। अब हमारे पास बात आती है कि हर एक मेटल का केस कैसा होगा, डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करती हैं जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है। कुछ मेटल्स ऐसी हैं जैसे जो सोडियम है हमारे पास, पोटेशियम है, ये क्या है, बहुत ही रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव। अगर हम इन्हें ओपन छोड़ देते हैं तो ये एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करके जलने लग जाती हैं। ओके, तो इनको कभी भी एयर में खुला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, एयर की प्रेजेंस में बर्न हो जाती हैं, तो इनको हमेशा केरोसिन के ऑयल के अंदर डीप करके रखा जाता है। ओके, और कुछ मेटल्स ऐसी हैं जैसे हमारे पास जिंक हो गया, कॉपर हो गया, इनके ऊपर क्या करते हैं, ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है। ओके, क्यों, ताकि उनको किससे बचा सकें, कोरोजन होने से बचा सकें, उनको खराब होने से बचा सकें, जैसे आयरन है उसको रस ना लगे, पेंट वगैरह कर देते हैं, तो वो किसी चीज का ऑक्साइड उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। जैसे बहुत सारी मेटल्स हैं हमारे पास, मैंने बोला अभी आपको जिंक कॉपर, तो इन सभी मेटल्स के ऊपर क्या कर देते हैं, ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। तो यही रीजन थी कि अलग अलग मेटल्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होके अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करती है। जैसे जो आयरन है, ये नहीं है कि आपने लोहे को आग के ऊपर डाला और वो जल गया, जलेगा नहीं, बस वो उसको गर्म कर देगी, गर्म तो हो जाएगा, वो जो बर्न होगा जिस टाइम वो हीट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि वो जल के खत्म हो जाएगा। बट अगर आयरन की फीलिंग्स है, पतला पतला पाउडर है आयरन का, उसको आप आग के बीच में डालते हो, वो जरूर जल जाएगी। ओके, तो हर एक मेटल का अपना अलग अलग प्रॉपर्टी है कि कोई क्या कर रही है, सिंपल ऑक्साइड बना रही है किसी मेटल से जुड़ के, कोई क्या कर रही है, उसकी प्रेजेंस में बर्न हो रही है, खत्म हो रही है, कोई क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर जला रहे हैं उसको, तो उसके ऊपर क्या आ रही है, उसकी ऑक्साइड की लेयर आ जा रही है। ओके, जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, ये थी हमारे पास कि जब भी कोई मेटल बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वॉटर, कि वॉटर की प्रेजेंस में मेटल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। यस स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वॉटर, कि क्या होगा जब मेटल वॉटर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो देखिए, जो मेटल है जब वॉटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, और जब मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, वॉटर के साथ, वो क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ओके, अब हम कुछ मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सोडियम है और पोटेशियम है, जब वो वॉटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो बहुत ही वॉयलेंट रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है एक्सोथर्मिक, जहां पे बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलती है। ओके, तो वॉयलेंट है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर इसको वॉटर के कॉन्टेक्ट में लेके आए, इनकी रिएक्शन करवाएं। उसके बाद बात आती है, पहले हम इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं, Na plus H2O give rise to NaOH plus hydrogen। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास सोडियम और वॉटर मिलके क्या बना दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इक्वेशन बैलेंस करेंगे हम, देखिए यहाँ पे क्या है, H यहाँ पे वन, टू और वन कितना है, थ्री है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टू है, तो हम H को अगर फोर बना लें, यहाँ पे टू लगा देते हैं, यहाँ पे भी टू लगा देते हैं, तो ये देखिए H यहाँ पे बैलेंस हो गया। ऐसे ही Na को बैलेंस करना है, यहाँ पे अगर हम टू लगा देते हैं तो सोडियम बैलेंस हो गया है, और ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे टू है, वहां पे भी ऑक्सीजन टू है, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ओके, ऐसे ही पोटेशियम के लिए आ जाएगी सेम इक्वेशन। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम की। जो कैल्शियम है, जब हम उसको वॉटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो भी क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो देता ही है, हाइड्रोजन गैस भी, लेकिन कैल्शियम क्या करना स्टार्ट कर देता है, फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज हाइड्रोजन के बबल्स बन के उसके ऊपर वो स्टिक होने लग जाते हैं मेटल के ऊपर, दैट्स व्हाई ये क्या करता है, फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद बात आती है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ हॉट वॉटर।
ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता। इसको रिएक्शन करने के लिए हमें हॉट वाटर चाहिए अगर हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन चेक करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। अगर इनकी रिएक्शन करना चाहते हैं ना तो ये हॉट वाटर से करेंगे रिएक्शन, ना ही ये कोल्ड वाटर से करेंगे। ये किससे रिएक्शन करेंगे? स्टीम से। ओके, तो अगर इनकी रिएक्शन देखनी है उसके लिए हमें स्टीम की जरूरत है। कुछ मेटल ऐसी आती है जो वाटर से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती, चाहे वाटर किसी भी फॉर्म में है, ना कोल्ड वाटर से करेंगी, ना हॉट वाटर से करेंगी, ना वाटर स्टीम से करेंगी। वो कौन सी है हमारे पास? वो है हमारे पास एजी, सिल्वर, गोल्ड। ओके, ये ऐसी हैं जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करेंगी। ओके, इनके बारे में आज हमने क्या पढ़ा है अभी कि क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। तो मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है, और जो ये मेटल ऑक्साइड है अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। फिर है जो सोडियम और पोटेशियम है, वो कैसे रिएक्शन करते हैं? एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, बहुत ही वॉयलेंट होती है। उसके बाद कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन गैस ठीक हो जाती है, कैल्शियम वहां पे फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता, इसको रिएक्शन के लिए हॉट वाटर की जरूरत होती है। जो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक है वो क्या होते हैं? हॉट वाटर से रिएक्शन नहीं करते, ना कोल्ड वाटर से करते हैं, किससे करते हैं? स्टीम से करते हैं। लेकिन जो हमारे पास सिल्वर और गोल्ड है वो किससे रिएक्शन करते हैं? इनमें से किसी भी चीज से नहीं करते, यानी कि वाटर के साथ ये कैसे रहते हैं? इनर्ट रहते हैं, वाटर से रिएक्शन नहीं करते। ओके,